केही दिन अघिदेखि गजमुङ नेता विमल गुरुङले अडियो क्लिपहरू जारी गरेको विषयमा जिटिए अध्यक्ष विनय तामाङले प्रतिवाद जनाएका छन्। अध्यक्ष विनय तामाङले आइतबार खरसाङमा भएको एउटा बैठकमा उक्त कुराहरू भनेका हुन्। तिनले विनय गुरुङलाई यसरी अज्ञात ठाउँहरूबाट बारम्बार अडियो क्लिपहरू जारी गर्दै पहाडमा अशान्ति फैलाइरहेको आरोप लगाउँदै धेरै दिनपछि पहाडमा शान्ति फर्किआएकोलाई फेरि भङ्ग नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबाहेक आफू काठमाडौँ, हरिद्वार, गुडगाउँ आदि विभिन्न ठाउँतिर लुकेर बस्दै अडियो क्लिपहरू जारी गर्दै पहाडका मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित गरिरहेको तिनले अझ बताएका छन्। पहाडको मुद्दामा बिजेपी पनि इमान्दार नरहेको तिनले दावी गरेका छन् भने लगभग 3 महिनाको पहाड बन्दलाई फिर्ता लिएपछि वार्ता गरिने योजना रहेको थियो, तर त्यसो नहुँदा बिजेपी पहाडको मुद्दालाई कुनै चासो नदिएको पुष्टि हुन्छ। मैं कहता आ रहा हूँ कि मैं जीरो यूनिमिटी में काम करना चाहता हूँ, लेकिन जब लेट सुभाष किशन का बर्थ एनिवर्सरी करसेंग में हुआ था इंडोर मीटिंग, तो उस टाइम में जब एक घटना हुआ था कि यहाँ का एक सीनियर सिटीजन जो अग्रवाल साहब ने हम लोग को खदेड़ने के बात किया था, तो मैंने उस टाइम एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे। लेकिन उसके बाद में जब जेएलएफ का अभी वर्तमान प्रेसिडेंट मनगी सिंह, अजय एडवर्ड स्पोक पर्सन नीरज जिम्बा और हमारा महेंद्र सिद्धि का जो उनका स्टेटमेंट प्रेस में आ गया कि ऐसा इश्यू को पॉलिटिकली डील करना होगा, तो आज मैंने कहा है कि ठीक है, ये इश्यू को हम लोग पॉलिटिकली डील करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल डील कैसे करेंगे वो हम लोग का ऊपर में है, क्योंकि अब उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया तो हम लोग भी वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। हम लोग अब जिनेब को पॉलिटिकली डील करेंगे। जब बार बार ऑडियो में क्लिप में हम लोग को खेदने का, खदड़ने का, कुछ करने का वो धमकी देते रहते हैं, तो देखिए उनको भी मैंने आज चैलेंज दिया, अगर दम है तो वो आए हैं यहाँ पर। और देखिए अभी वो बोलते हैं कि फॉरेस्ट में है कोई कई जगह, देखिए 1,50,000 पर मंथ का फ्लैट में काठमांडू में था, रिसेंटली वो फ्लैट से फिर दूसरा तरफ शिफ्ट हो गया, कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी देहरादून जाते हैं, कभी नोएडा में जाते हैं, कभी गुड़गांव में जाते हैं, कभी दिल्ली का आसपास में बैठते हैं, तो ये तो हमारा मूवमेंट पता है। तो इसलिए अगर सब वो अभी लग्जरियस लाइफ में है, क्योंकि उन लोगों के पास में बहुत पैसा है, लग्जरियस लाइफ है, पब्लिक को इमोशन में करने के लिए हम लोग जंगल में है, फॉरेस्ट में है, हम लोग का दुख हो रहा है, हमको ये सब गलत है। अगर फॉरेस्ट में होता तो 17 जून में जब उन्होंने दीप जलाया था उस टाइम का उनका पैरन देखिए, उनका टी शर्ट देखिए, उनका वो है, जंगल में ऐसा नहीं मिलता है। हाँ, वो अभी अप टू डेट है, जो घर से बाहर जाते हैं ना दूसरा होते हैं, ऐसा है। आज विमल गुरुंग भी और रोशनगिरी भी और बाहर बैठ के अब ऐसा करने से उनको लीडर नहीं कहते हैं, वो उनका अगर दम है और वो गोरखा का लीडर मानते हैं अपने आप को, तो ये लोग यहाँ पे आके मूवमेंट करना होगा। बाहर बैठ के ऑडियो वीडियो में मूवमेंट नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो मैंने उनको आज आगाह किया कि डोंट सेंड दिस टाइप ऑफ वीडियोज एंड ऑडियोज अगेन एंड अगेन, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो लोग आए और मूवमेंट